हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो पादप प्रजनन, चैप्टर का नाम है प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आज मानव व पशुओं की एक बड़ी संख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। पादपों पर निर्भर है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या को खाद्य आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पादप प्रजनन तकनीकी को अपनाया गया। अर्थात पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा अधिक उपज, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, रोग प्रतिरोधी किस्मों का क्या किया गया? विकास किया गया, जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। जॉनसन ने शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका अध्ययन आप करेंगे। 1856 में मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन के जनक कहा जाता है। इसके सामान्य परिचय हैं, जिसका हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। पादप प्रजनन है क्या, इसकी परिभाषा की बात करेंगे। पादप प्रजनन क्या है, प्लांट ब्रीडिंग क्या है? पादपों की आनुवंशिकता को परिवर्तित कर उन्नत करने की कला व विज्ञान को क्या कहा जाता है? प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन कहा जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि पादप प्रजनन वह तकनीकी है जिसके द्वारा उन्नत किस्मों का क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। अर्थात आनुवंशिकता को परिवर्तित करके उन्नत किस्मों का विकास करना ही क्या कहलाता है? पादप प्रजनन कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य की बात करेंगे। नंबर 1, अधिक उपज। कि पादप प्रजनन के द्वारा अधिक उत्पादन वाली किस्मों का विकास किया गया, जिससे समकालीन किस्मों से 20-25% क्या हुई? वृद्धि हुई। तो एक प्रकार से उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। अर्थात एक प्रकार से अधिक उत्पादन वाली किस्मों का क्या किया गया? विकास किया गया। नंबर 2, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। पादप प्रजनन के द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता में क्या किया गया? सुधार किया गया। जैसे मीठी मक्का, इसी प्रकार से कपास की बात करें तो कपास का शक्तिशाली व लंबा रेशा। यदि दालों की बात करें तो दालों के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक। और इसी प्रकार से हम बात करें तो तिलहन की बात करें तो तिलहन के अंदर तेल की मात्रा। और फलों की बात करें तो फलों के आकार व स्वाद की मात्रा को क्या किया गया? बढ़ाया गया। तो यह था उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। ये एक प्रकार से पादप प्रजनन के द्वारा किया जा सका। नंबर 3, कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास। कि पशुओं के अंदर कीटों से तथा रोगों के कारण होने वाली हानियों के कारण एक प्रकार से फसल उत्पादन में क्या आई? कमी आई। कीटों से अनेक प्रकार के रोग हुए, जिससे एक प्रकार से फसल उत्पादन क्या हुआ? कम हुआ। तो पादप प्रजनन के द्वारा कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का क्या किया गया? विकास किया गया, जिससे एक प्रकार से उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। शीघ्र पकना, कि पादप प्रजनन के द्वारा शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास किया गया, जिससे धान और चावल के अंदर फसल चक्र संभव हो पाया। समकाल पकवन पकना कि जब कुछ फसलें ऐसी थी जो एक साथ परिपक्व
नहीं होती थी, जिससे कटाई करने में क्या आती थी, समस्या आती थी। तो पादप प्रजनन के द्वारा इस प्रकार की किस्मों का विकास किया गया जो एक साथ क्या हो, परिपक्व हो सकी, जिससे उनकी कटाई करने में कोई समस्या नहीं हो पाई। ये सब किसके द्वारा हुआ, पादप प्रजनन के द्वारा हो पाया। प्रसुप्ति, प्रसुप्ति क्या है, निष्क्रिय। हम देखते हैं कि जैसे बाजरा है, जो है, ज्वार है, इनमें क्या होता है कि बरसात के दिनों में इनके बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, यानी इनमें प्रसुप्ति नहीं पाई जाती है। कि बरसात में आप देखते हैं कि बाजरा होता है, उसके बीज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन आज क्या किया गया कि प्रसुप्ति किस्मों का विकास किया गया कि बरसात के दिनों के अंदर बाजरा हो, जो हो, एक प्रकार से क्या नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है, अर्थात प्रसुप्ति किस्मों का क्या किया गया, विकास किया गया। ये एक प्रकार से सब पादप प्रजनन के द्वारा क्या हो पाया, संभव हो पाया। तो ये पादप प्रजनन क्या है, क्या है उद्देश्य, तो पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है समझ चुके होंगे कि अधिक उपज, उत्पाद की गुणवत्ता में क्या लाना, सुधार लाना, कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास, सम काल पकने वाली किस्मों का विकास, और प्रसुप्ति किस्मों का क्या किया गया, विकास किया गया। इससे आगे अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।